जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो दोस्तों बता दें कि पाकिस्तान की टीम जो कि मेलबर्न पहुंच चुकी है, तो दोस्तों मेलबर्न पहुंचते ही बाबर आजम भारतीय टीम के लिए एक बेहद ही बड़ी बयान दिया है। जी हां दोस्तों, क्या है यह पूरी खबर, इसी के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला जो कि होने वाला है, या दोस्तों बता दें कि यह मुकाबला जो कि मेलबर्न में ही होने वाला है, या दोस्तों बता दें कि यह मुकाबला जो कि 23 अक्टूबर को होने वाला है। तो दोस्तों बता दें कि इस मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं पहले ही। तो दोस्तों अब ऐसे में जो कि बाबर आजम ने भारतीय टीम को लेकर बेहद ही बड़ा बयान दिया है। या दोस्तों बाबर आजम का मानना है कि भारतीय टीम हो या फिर पाकिस्तानी टीम, दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन मैच विनर खिलाड़ी है, और जो टीम 23 अक्टूबर को बेहतर खेलेगी वह टीम जीतने वाली है यह मुकाबला। तो दोस्तों बता दें कि भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में दो एक एक प्रैक्टिस मुकाबला दोनों टीमें खेली है। जी दोस्तों बता दें, जहां भारतीय टीम ने अपना प्रैक्टिस मुकाबला जीती थी, तो दोस्तों वहीं पाकिस्तान की टीम ने अपना प्रैक्टिस मुकाबला हार गई थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत और पाकिस्तान का होने वाला मुकाबला में कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।